देखना कि सजदा राजी है कि नहीं, और सुन लो इस मिंबर पर बगैर सजदा की इजाजत के कोई आ भी नहीं सकता। पर बैठकर बकवास करना बंद करो। तुमने ठेकेदारी नहीं ली है किसी के अकीदे की, ये कहना बंद करके दूसरे खेमे से आया है। तेरे बाप में हिम्मत है तो ये बता हुए किस खेमे से आया है। चीज होती
होती है। अगर इंसान डायरेक्ट किसी का रद्द नहीं कर पाता है ना, तो आसान तरीका यह है कि उसके अफकार को रद्द कर दे। मेरी बात समझो, मैं बोल रहा हूँ। इस वक्त माशाल्लाह इस मिल्लत जाफरिया का नौजवान इतना बेदार हो गया है कि किसी मनहूस में अब हिम्मत नहीं है कि मराजी के खिलाफ बोल सके। तो ये लोग उनके अफकार को रद्द करते हैं, समझ रहे हैं। कहा सुन्नी हमारी जान है, इसका मतलब यह है कि जो सुन्नियों के खिलाफ बोले, समझ लो कि वो दरअसल सुन्नी का नहीं सिस्तानी का मुखालिफ है। क्या नजरिया पेश कर रहा है, कैसी नफरत फैला रहा है, जो कई बार उसको गले लगा। इस कायनात में हुसैन से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है। हुसैन की फर्शियादा है, आए हुए अपनी ताकत को खुद से कमजोर कर रहे हो, अफकार को रद्द कर रहे हो। तुम्हें मालूम है अगर कोई इमाम हुसैन को रद्द नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है किसी माए कलाल में, तो हुसैन के अफकार को रद्द कैसे किया जाए। शराब का डिफेंस कर दो, नहीं पहुंचे आप मेरा मैदान नहीं पहुंचा, बोल रहा हूं। तो शराब का सपोर्ट करना हुसैन के अफकार की रद्द करना है। ये तो हम लोग कहते हैं ना, लानत लानत करने का भी हक हर किसी को नहीं है। यजीद पर लानत करने का भी हक सबको नहीं है। आप पूछेंगे वो कैसे, सुनो, यजीद पर नमाजी तो लानत कर सकता है, शराबी लानत नहीं कर सकता।
मिंबर इसीलिए रह गया कि दूसरों पे कीचड़ उछालते फिरे, दूसरों के ऐप निकालते फिरे, अपने गुनाहों को देख ले। हर इंसान अपने गुनाहों को देख ले तो फुर्सत ही ना मिले। और तेरे जैसे कमजोरों की वजह से आज हिंदुस्तान का मैयार कहां है आलमी पैमाने पर देख ले जाके, कोई पोजीशन में नहीं है इंडिया खिलाफत के मामले में। अलग ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं है, मैं ये सब बातें दोहराने को पढ़ने का आदि नहीं, मजबूर किया जाता है। मैं 2 साल पहले अरबईन में गया, मैंने जिस पढ़ने अजीब चीज देखी मैंने करबला में, जिसे देख रहा हूं ये पूछ रहा है, हर उर्दू जुबान का आने वाला किसी भी मुल्क से आया वो पूछ रहा है आसिफ दादा अरबी कब पढ़ेंगे मजलिस, नुसरत बुखारी कब पढ़ेंगे मजलिस, शहंशाह हुसैन नकवी आए के नहीं, अली रजा यूसुफी आए के नहीं। हर कोई पाकिस्तानी खतीब के बारे में पूछ रहा है, हिंदुस्तानी जाकिरों का कोई नाम ही नहीं पूछ रहा है। क्यों भाई? यहाँ हम अपने जाकिरों को प्रमोट नहीं करते। अगर किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है, ज्यादा स्टारडम मिलता है, तो खतीब उसके पीछे नौकरीबाजी शुरू कर देता है। मैं 5 साल पहले जो भी पूरा गया, मैं मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। 5 साल पहले जब जो भी पूरा गया तो मुझसे एक साहब ने पूछा, आप किस ग्रुप के मौलाना के साथ है? अपने नौसानी का लोहा मनवा लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सलाहियत नहीं है, हम प्रमोट नहीं करते। वहां का एक बच्चा अगर कसीदा पढ़ता है तो 6 महीने में पूरी फॉर्म मिलकर उसे पूरे दुनिया में मशहूर कर देती है। बेशक बेशक यहाँ तक देखो, सब कुछ सलाहियत रहकर भी कुछ हैसियत नहीं है हमारी आलमी पैमाने पर, कोई हैसियत नहीं है। वजह क्या है? एक बात सुनाता हूँ तुम्हें, हिंदुस्तान से एक ताजिर ने, कबूतरों के ताजिर ने एक ट्रक में कबूतर भेजा चाइना। अब जब चाइना कबूतर पहुंचा, सारे कबूतर ट्रक में पहुंचे बगैर उड़े हुए, तो चाइनीज ताजिर हैरत में पड़ गया, इसलिए कि कबूतरों के ना पड़ बैठे थे ना पैर बंधे थे। उसने हिंदुस्तानी ताजिर को फोन लगाया, कहा भाई क्या बात है, तुम्हारे कबूतर सबके सब एक मुल्क से दूसरे मुल्क बगैर उड़े कैसे आ गए, ना पड़ कटे हैं ना हाथ बंधे हैं, वजह क्या है? तो हिंदुस्तानी ताजिर ने कहा, वजह यह है चीनी भाई कि ये हिंदुस्तानी कबूतर हैं, एक घूमना चाहता है तो दूसरा टांग खींच लेता है। तुम अपने अंदर भी सलाहियत पैदा करो, स्टडी करो और तो नए नजरिया, फिर देखो अल्लाह तुम्हें इज्जत कैसे नहीं देता है। मसला यह है कि अपनी तरक्की की खुशी नहीं है, दूसरों की तरक्की का गम है। एक हिंदू बहन का वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसने अच्छा वाकया, अच्छा सुन, मैं बोल तो नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो बोल देना मुझे, मैं ये सब बातें करने का आदि नहीं हूँ, मजबूर किया गया है तब बोल रहा हूँ। एक हिंदू बहन कहती है कि एक भगवान का बहुत बड़ा भगत था, दिन रात वो भगवान से मांगता रहता था, भगवान बंगला देते, गाड़ी देते, मोटर देते, कार देते। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा दूंगा, मगर एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ। उसने कहा, भगवान शर्त क्या है? कहा, तुझे एक दूंगा तो पड़ोसी को दो दूंगा। उसने कहा, डन भगवान डन है, ठीक है, एक फ्लैट दे दे। भगवान ने उसको एक फ्लैट दिया, पड़ोसी को दो दिया। भगवान ने एक गाड़ी दे, उसको एक गाड़ी दिया, पड़ोसी को दो गाड़ी दिया। भगवान एक बाइक दे, उसको एक बाइक दिया, पड़ोसी को दो दिया। अब उसको अपने मिलने की खुशी नहीं है, पड़ोसी के डबल मिलने का आनंद हो गया। कहने लगा, भगवान ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे एक देते हो उसे दो देते हो। भगवान ने कहा, इसी शर्त पे तो दे रहा था, तुझे एक दूंगा उसे दो दूंगा। अब इंसान भी चला रोबड़ी है ना, कहने लगा, ठीक है मुझे एक दोगे उसे दो दोगे, कहा जो मुझे एक दोगे उसे दो दोगे, कहा। उसने कहा, भगवान मेरा एक पैर तोड़ दो। भगवान ने उसका एक पैर तोड़ा, पड़ोसी का दो पैर टूटा। कहा, भगवान मेरा एक हाथ तोड़ दो, उसका एक हाथ टूटा, पड़ोसी का दो हाथ टूटा। अब उसे अपने
नहीं है, हाथ टूटने का गम नहीं है, पर किसी के तो हाथ टूटने की खुशी है। भूल गया कि इज्जत तो जिल्लत का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे इज्जत दे, और वो इज्जत देता है अहले बैत पे सबको। जैसे कितने मुखालिफों को मैंने देखा है, अगर मेरे सर पर जनाबे जहरा का करम नहीं होता ना, तो सन्यास ले चुका होता। मुखालिफ के सामने मुनाजरे के मैदान में बैठोगे, जहां विलायत साबित कर तो पता चले वहां विलायत का मानने वाला है। इमाम के जहूर के लिए तूने क्या रास्ते हमारे कितने सिपाही बनाए हैं, बस समेट दी क्यों नहीं भेज रहा अल्लाह इमाम को। इस बात सब कह रहे हैं अल्लाह जल फाजल जल फाजल जल, अल्लाह नहीं चाहता कि वक्ता हुसैन तना रह जाए। खुदा को जुबानी शेरों की जरूरत नहीं है, अपने लोगों के बीच बड़ी बड़ी बात करने से जुबानी शेर तो हो सकता है, मैदानी शेर नहीं हो सकता। विलायत की बात करने वाले तूने नहीं पढ़ा, विलायत के साथ बल्लिग का सिवा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचाइए। तो जब अल्लाह ने कहा पहुंचाइए तो वहां खाली दोस्त थे या हजार मुनाफिकीन भी मौजूद थे। तो विलायत अपनों के बीच पहुंचाना कमाल नहीं है, दुश्मनों के बीच पहुंचाना कमाल है। मैं भी जानता हूं हुसैनी और यजीदी में दोस्ती नहीं हो सकती, मगर यजीदियों के बीच में रहकर हुसैन का मैसेज पहुंचा देना असली हुसैनियत है। तुमने कभी देखा है हीरा कोयले की कान में रहता है मगर कोयले का दोस्त नहीं होता। कोयले की कान में रहकर भी हीरा हीरा होता। तो ऐसे लोग जो 32 दांतों के बीच एक जुबान रहकर अली अली कर रहे हैं, उनको सलाम करो, रेस्पेक्ट दो। तू कैसे कह रहा है अली वलीउल्लाह कहना आसान है, पढ़वा के देखा किसी को पता चले कितना आसान है। आसान है अली वलीउल्लाह मानना, देखा मुझे कितने 58 ममालिक मुसलमानों में कितनों के गुंबदों पर अली वलीउल्लाह का परचम लहराता है। आसान है अली वलीउल्लाह कहने के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है। पीले अमामे में आके मेरा भाई बैठा है, मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को, ये जिहाद कर रहा है। सुनो, जब मेरा कोई सुन्नी भाई सुन्नी नौजवान जब आजादारी में आकर बैठता है ना, तो सबसे पहले उसके घर वाले उसका बायकॉट करते हैं, उसके रिश्तेदार उसका बायकॉट करते हैं, उसका सोशल बायकॉट होता है, कोई उसे अपनी बेटी नहीं देता। शिया ये कहते हैं सुन्नी है, सुन्नी ये कहते हैं शिया हो गया। उसका कसूर क्या है अगर वो शिकायत कर दे अली को के मौला कसूर क्या है मेरा कि मैंने तेरी विलायत को कबूल किया। ये है तेरे चाहने वाले जो ये कहते फिरते हैं कि कोई हुड़ बनकर आए तो गले लगाएंगे और कोई हुड़ बनकर आया तो उसके साथ हुड़मुला जैसा सलूक कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कोई मासूम है, यहाँ पर हर किसी से सहमे लिसानी होती है। इंसान 1000 तकरीर करता है तो 1 तकरीर में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है, वो मासूम नहीं है और उस पर खींचा उछालने लगते हो, अपने आपों को भूल गए, अपने गुनाहों पर नजर करो, कसम खुदा के दूसरों के गिरेबान को झांकना ही भूल जाओगे। अल्लाह का शुक्र
शुक्र करो कि अल्लाह ने तेरे अबू को ढाक रखा। पूरी दुनिया से लड़ कर आया है अल्लाह। ऐसे लोग हमारी ताकत है, ऐसों को भगा कर अपनी ताकत को कमजोर ना कर। और तू कौन होता है पूछने वाला, किसका क्या कलमा है? मुझे देखा करबला में हो आए, जोहर आए, वहब आए। कभी इमाम हुसैन ने कुछ कहा कि इस बात का सबूत दो तो मेरे पास आओ। जोहर इब्न गैन को बुलाया, कहा थे जोहर? तुझे नहीं मालूम कि जोहर जंगे जमल में किसके साथ थे? तुझे नहीं मालूम कि सिफिन में जोहर इब्न गैन का नजरिया क्या था? हुसैन ने भेजा, अकबर को भेजा। जोहर मुखालिफ गुरों में है, हुसैन से बचकर चल रहा है। हुसैन ने अली अकबर को भेजा, जाओ जाकर कहो जोहर को हुसैन ने बुलाया है। मैं कहूंगा मौला जोहर को बुलाना है, जोहर की हैसियत क्या है? गुलाम है, गुलाम को बुलाने गुलाम को भेजिए, शहजादे को क्यों भेजा? हुसैन ने हमें फिक्र दी है कि जब भी हर जमाने के जोहर को बुलाना तो इज्जत के साथ बुलाना, जमीन करके। इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर बैंक पुकारेगी हमारे। दुनिया आ रही है इंकलाब। ये अब तो अच्छा, तुम देखो 5 साल पहले ये क्रेज था, अय्याम में बात किया था 10 साल पहले ये मामला आते नहीं। अब देखो पूरी दुनिया में पुरजोर तरीके से हो रहा है अय्याम में बात। और सुनो, ये पीले पगड़ी वालों का भी अय्याम में फातिमिया में आकर बैठना ना, ये भी एक इंकलाब है। ये इंकलाब वो बर्पा हो रहा है, तो दुनिया तो आ रही है। सोशल मीडिया ने तो मुनाफिकों का जीना हराम है, ऐसे ही कर रखा है। जो हकायक अब तक छुपे हुए थे अब घर घर तक पहुंच रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें मालूम है मनहूस इब्ने मनहूस ने समझ गए ना, वो जलाली गैर हलाली, जिन नौजवानों ने अब तक फिलक का नाम नहीं सुना था उन्होंने फिलक पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। लोग हक के करीब आ रहे, आने दो यार, वक्त लगता है। एक दिन में हुर नहीं बना, वक्त लगता है आपको कबूल करने में, आपको समझने में। इस कौम के बच्चे बच्चे को शऊर है, इन्हें मालूम है कि अली का नारा कब लगाना है, मसाइब में आंसू का बहाना है। उन बेचारों को बताया ही नहीं है उनके मुल्लाओं ने, तो उनको टाइम लग रहा है रिसर्च करने में। वो सुन रहे हैं हमारे जैसे नौकरों को, तो आने दो उनको करीब। बेशक इसका फायदा मत उठाओ, अपने बाप की जागीर मत समझो। सब मौला के नौकर हैं। तो सुन्नियों की बात कर रहा है, अरे इमाम को आने दे, यहूदी ईमान लाएंगे। क्या फिक्र दे रहा है? एक तरफ हमारे मराजे कह रहे हैं हमारे भाई ना कहो जान, इस बुल्ला के लश्कर में क्या बचिया है? तुझे पता है कितने सुन्नियों ने कुर्बानी दी है? नहीं, अली के फजाइल पढ़कर भी दाद दी जा सकती है।
दुआएं भी ला सकते हैं। वाह वाह वाह। लिहाजा ये मिंबर इबादत के लिए, तिजारत के लिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूठी बातें फैलाते हो, शब्बी वासी 1 लाख लेते हैं। और वही लोग कह रहे हैं जो खुद डिमांड करके आते हैं। क्या बात है, क्या करने, क्या करने। मैं तो 2 साल से ऑफर दे रहा हूँ, इस साल के लिए भी अभी से ऐलान कर दे रहा हूँ, आने वाले अय्यामे अज़ा में 1 रुपया नहीं लूंगा मैं एक मजलिस का। और वैसे भी मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, अल्लाह ने बीबी जहरा के सदके में इतना नवाजा है, तो तू सोचता रहेगा। ऐलान कर रहा हूँ ये थर्ड टाइम, 2 बार ऐलान कर चुका हूँ उससे पहले, फिर थर्ड टाइम ऐलान कर रहा हूँ, आने वाले अय्यामे अज़ा में मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। शर्त यह है कि हिंदुस्तान के 20 जाकिर मिलकर वो भी ऐलान करे कि वो भी नहीं लेंगे। अगर तिजारत के लिए आया होता ना, याद रखना पैसे कमाने के लिए कोई मेजोरिटी से माइनॉरिटी में नहीं आता। सियासत के लिए, तिजारत के लिए नहीं आया हूँ, इबादत के लिए आया हूँ। मेरा लबो लहजा देख, जो यहाँ बोलता हूँ वही खुले मैदान में भी बोलता हूँ। तो तुम्हारे शहर कानपुर के शुजातगंज की तकरीर तो अभी तक मौलवियों के पहले कहती बनी हुई है। जो कह दिया वो कह दिया, चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने फोन कर करके पूछा, आपने कहा, मैंने कहा मैंने ही कहा है, और जब कहा है तो कहा है, वायरल करता है करते रहो, मैं नहीं कहा है। मगर तुझे मेरी इज्जत से असर हो रहा है, लोगों की मोहब्बतों से असर हो रहा है। क्या बात है भाई, लोग इससे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं? अल्लाह से शिकवा कर, अल्लाह तू पूरा हो रहा है दिलों में, मोहब्बत की वजह की जिक्र नहीं है। तुझे क्या मालूम कि हकायक खुल खुल कर सामने आ रहे हैं। अब दूसरों के बीच से खुतबा निकल रहे हैं जो अली अली कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को सलाम करना, वो अहले बैत की खिदमत कर रहे हैं। अगर हर कोई शिया डिक्लेयर हो जाए ना, तो कोई उसे सुनेगा ही नहीं। स्वामी सारंग यहाँ आते हैं, आचार्य प्रमोद आ रहे हैं, वो जैन साहब ने, अब अगर हम उनको कहेंगे बताओ उसे तरतीबी कैसे किया जाता है। कोई आएगा अगर हम ये नफरतों के, फिर तो एक काम होगा। अब इमाम बारगाहों के बाहर बैनर लगा दिया जाएगा कि ओनली शिया अलाउड, कोई गैर शिया मजलिस में नहीं आ सकता। तब तो फिर नफरत की दीवार ऐसे खड़ी करो, और अगर हुसैन का दरवाजा सबके लिए खुला है तो आने दो। उसको हक समझने दो, उसे करीब आने दो, और किसी के करीब आओगे तब पता चलेगा वो क्या है।
कबीरवासी कैसी नमाज पढ़ता है? तूने कभी देखा मुझे? अच्छा हैरत की बात क्या पता, जिस मनहूस ने कहा उसने जिंदगी में कभी मुझसे मुलाकात ही नहीं की। भाई कुमैर भाई के घर में मैं आता हूँ रुकता हूँ, अगर ये बंदा कहे कि कबीरवासी ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो कोई यकीन भी करे? जो मुझसे मिला ही नहीं उसने देखा कब? क्या कहने भाई, अब पढ़ने वाले तो पढ़ने वाले, सुनने वाले भी सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला भी पढ़ के चला जाए, सुनने वाले भी सुन के सुन हो जाते। अरे पूछा जाता कि तूने देखा है कभी, ये कैसे मालूम? हक और बाती के दरमियान चार उंगल का फर्क। कान से सुनो उसको हक ना मानो, जो आंख से देखो उसको हक मानो। ये सब बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जमाना बहुत फितने का जमाना है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि इस जमाने में कौन कौन से फितने पैदा हो गए हैं, या आखिरी जमाने की अलामतों में से। अभी तुझे ये मैं उचाहार मजलिस पर रखा था तो वहां पर मुझे एक नौजवान ने बताया कि मौलाना एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, आर्य टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी में वो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि किसी भी इंसान का सिर्फ चेहरा लेकर उसको पूरा बरहना किया जा सकता है, उसकी वीडियो बनाई जा सकती है और देखने वाले ये समझेंगे कि ये एक्चुअल वीडियो है। हो सकता है ये साजिश आने वाले जमाने में किसी जाकिर के साथ हो जाए, किसी मौलवी के साथ ये साजिश रच दी जाए, किसी नौहान के साथ ये साजिश रच दी जाए, तो उसको फौरन फेसबुक में उछाल मत देना, उसे फौरन सोशल मीडिया पर वायरल मत कर देना, उसकी तहकीर करना, अपने आलिम अपने जाकिर की इज्जत की हिफाजत खुद करो। दूसरों के ऐबों को ढांकना सीखो, अल्लाह सत्तारुल उलूम है। बस तुम्हें से पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है, खून बहाना पड़ा है। आज मैं करबला गया ना अरबईन में, बहुत लग्जरी सफर, फ्लाइट से उठा गाड़ी में बैठा, वहां फोर स्टार होटल है, फाइव स्टार होटल है, आराम से रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। ये जियारत मैंने किया तो कमाल नहीं किया, लग्जरी में जियारत करना कमाल नहीं है। हम लोग चले मशीद किए, मगर जब पैर दुखते थे तो कोई रहता था जो पैरों को साफ करता था, ठंडा पानी डालता था। ये लग्जरी में जियारत कर रहे हैं। उस जमाने को याद करो जब माए अपने बच्चों के लाशों से गुजर के करबला पहुंची।